हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास नाइन में बायोलॉजी विषय में आप लोगों ने अभी तक पेशी ऊतक के प्रकार पढ़ चुके हो, जिसमें आप लोगों ने पेशी ऊतक के तीन प्रकार, रेखित पेशियां, अरेखित पेशियां और हृद पेशियां, तीनों के बारे में पढ़ा है, तीनों के बारे के कार्य के बारे में पढ़ा है। परंतु फिर भी इन तीनों पेशियों से संबंधित अंतर पूछा जाता है आपकी परीक्षाओं में, कि तीनों पेशियों में किस प्रकार से एक दूसरे से भिन्न है, किस प्रकार से एक दूसरे से भिन्नता प्रदर्शित करती हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो इसी पर आधारित है कि तीनों पेशियां एक दूसरे से किस प्रकार अलग हैं। तो आइए देखते हैं। जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, रेखित पेशी, चिकनी पेशी व हृद पेशी में अंतर। देखिए, ये पेशियां जो हैं इनको दो दो नाम से जाना जाता है, जिसमें आपने जाना भी है कि जो आपकी रेखित पेशियां थीं उनको रेखित पेशियों को जो है ऐच्छिक पेशियां भी कहा जाता है। इसी प्रकार अरेखित पेशियों को जो है चिकनी पेशियां और अनैच्छिक पेशियां भी कहा जाता है। इसी प्रकार जो आपकी तीसरी पेशी थी उसे हृद पेशी, हृदयक पेशी या कार्डियक पेशी के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पहले हम रेखित पेशी और दूसरा है चिकनी पेशी, तीसरा है हृद पेशी, तीनों को अलग अलग पार्ट में यानी तीन भागों में पेश को डिवाइड किया गया, जिसमें सबसे पहला पॉइंट रेखित पेशी में देखते हैं कि इसमें धारियाँ पाई जाती हैं। जब आपको पढ़ाया था रेखित पेशी के बारे में तो आपको बताया है कि रेखित पेशियां जो होती हैं इनमें सूक्ष्मदर्शी की सहायता से जब देखा जाता है तो इनकी संरचना पर गहरे और हल्के रंग की धारियां होती हैं। गहरे और हल्के रंग की धारियों के कारण इनको जो है रेखित पेशियां भी कहा जाता है। तो इस प्रकार पहला पॉइंट हुआ कि रेखित पेशियों में जो है धारियां पाई जाती हैं, जबकि चिकनी पेशी या अरेखित पेशियों में जो है धारियां नहीं पाई जाती हैं। क्या नहीं पाई जाती हैं? धारियां नहीं उपस्थित होती हैं। इसके बाद हृदय पेशियों में देखिए, इन पेशियों में धारियां होती हैं, यानी जो हृदयक पेशी हैं या कार्डियक पेशी हैं उन पेशियों में जो है पतली पतली महीन जो है धारियां होती हैं, क्योंकि इनकी जो संरचनाएं होती हैं वो संरचनाएं बेलनाकार होती हैं और उन बेलनाकार संरचनाओं में जो है उसी प्रकार से लंबी लंबी धारियां पतली महीन रूप से व्यवस्थित होती हैं। तो आप इस प्रकार पहला पॉइंट तीनों में समझ पाए कि जो आपकी रेखित पेशियां हैं उन रेखित पेशियों में धारियां हल्के और गहरे रंग की पाई जाती हैं, जबकि अरेखित पेशियां या चिकनी पेशियों में जो है धारियां नहीं पाई जाती हैं और हृद पेशी में जो है धारियां महीन महीन या पतली धारियां पाई जाती हैं। इसके बाद अब देखते हैं रेखित पेशी में दूसरा पॉइंट, इन्हें ऐच्छिक पेशियां कहते हैं, यानी जो हमारी रेखित पेशियाँ होती हैं वो रेखित पेशियां ऐच्छिक पेशियां भी कहलाती हैं, क्योंकि आपको बताया था कि ऐच्छिक पेशियां जो हैं वो हमारे शरीर में कुछ गतियों को अपनी इच्छा के अनुसार प्रारंभ कर सकती हैं और अपनी ही इच्छा के अनुसार उनको रोक सकती हैं, बंद कर सकती हैं। तो ये अपनी इच्छा के आधार पर कार्य करती हैं, इसलिए इच्छा के आधार पर कार्य करने के कारण इनको जो है ऐच्छिक पेशियां भी कहा जाता है। जबकि जो आपकी चिकनी पेशियां हैं या अरेखित पेशियां हैं इनको अनैच्छिक पेशियां कहते हैं, यानी कि ये पेशियां अनैच्छिक पेशियां कहलाती हैं, क्योंकि ये पेशियां अपनी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं कर पाती हैं, यानी अपनी इच्छा के अनुसार गतिविधियों को संचालित नहीं कर पाती हैं और इसी कारणवश इनको जो है अनैच्छिक पेशियां कहा जाता है। हृदय पेशियां ये भी अनैच्छिक पेशियां कहलाती हैं, क्योंकि हृदय पेशियां हृदय में उपस्थित होती हैं
और जो हृदय के अंदर की जो गतिविधियां हैं वो भी इस पर निर्भर नहीं है, यानी ये अपनी इच्छा के अनुसार नहीं कर पाती हैं। इस कारण इनको भी अनैच्छिक पेशियों की श्रेणी में रखा गया है। इसके बाद अब आइए, दो पॉइंट फिनिश होते हैं। हमारा तीसरा पॉइंट है कि इनकी कोशिकाओं में बहुत से केंद्रक होते हैं। क्या होते हैं? बहुत से केंद्रक उपस्थित होते हैं, इस कारण इनको जो है इसलिए बहुकेंद्रकी होती हैं। यानी कि जो हमारी रेखित पेशियां हैं उन रेखित पेशियों की कोशिकाओं में बहुत से केंद्रक उपस्थित होते हैं, और बहुत से केंद्रक उपस्थित होने के कारण इनकी कोशिकाएं जो हैं वो बहुकेंद्रकी कहलाती हैं, या इन ये पेशियां जो है बहुकेंद्रकी होती हैं। बहु का मतलब है बहुत सारी केंद्रक वाली कोशिकाएं। इसके बाद इसके विपरीत देखिए, चिकनी पेशियों में क्या है कि इनकी कोशिकाओं में एक केंद्रक उपस्थित होता है, एक केंद्रकी कहलाती हैं। यानी कि जो चिकनी पेशियां या अरेखित पेशियां हैं, इन चिकनी और अरेखित पेशियों की प्रत्येक कोशिका में, या ऐसे कहिए कि हर कोशिका में एक ही केंद्रक उपस्थित होता है, यानी हर एक कोशिका में एक केंद्रक होने के कारण इनको जो है एक केंद्रकी कहा जाता है, या चिकनी या अरेखित पेशियां जो है एक केंद्रकी होती है, ऐसे आप लिख सकते हो। इसके बाद आप हृदय पेशियां या हृदय पेशियां में देखिए कि ये पेशियां एक व बहुकेंद्रकी होती हैं। जो हृदय या हृदय पेशियां हैं प्रायः, यानी जो ज़्यादातर या अधिकतर जो है ये कोशिकाएं एक केंद्र की होती हैं हृदय पेशियों की, परंतु किसी विशेष परिस्थिति में जो है बहुकेंद्र की भी हो सकती हैं, यानी कि एक केंद्रक से अधिक केंद्रक भी हो सकते हैं। परंतु हमें यह ध्यान रखना है कि जो हृदय पेशियां हैं इनकी कोशिकाओं में प्रायः जो है एक ही केंद्रक होता है, यानी एक केंद्र की होती हैं, और जब कोई विशेष परिस्थिति हो जाती है तब ये बहुकेंद्र की भी हो जाती हैं। इस प्रकार आप जो है तीन अंतर समाप्त किए। अब चौथे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, रेखित पेशियों में देखते हैं चौथा पॉइंट क्या है कि रेखित पेशियां प्रायः हड्डियों से जुड़ी होती हैं। बहुत ही ध्यान रखना है कि जो रेखित पेशियां होती हैं ये प्रायः किससे जुड़ी होती हैं? हड्डियों से जुड़ती हैं। यानी कि जो हमारे शरीर में कंकाल होता है उस कंकाल से हमारी रेखित पेशियां या ऐच्छिक पेशियां जो है जुड़ी हुई होती हैं। इसके विपरीत आप देखिए, चिकनी पेशियां जो है, यानी ये इनकी तीनों, चौथा पॉइंट जो है हमारा वो तीनों पेशियों की स्थिति बता रहा है कि ये हमारे शरीर रचना में, शरीर संरचना में किस स्थान पर पाई जाती हैं, किस स्थान पर हमको ये उपस्थित होती हैं, मिलती हैं। तो जो आपकी रेखित पेशियां हैं या ऐच्छिक पेशियां हैं ये कहाँ मिलती हैं? ये प्रायः हड्डियों से जुड़ी हुई होती हैं, यानी हड्डियों के साथ संलग्न होती हैं, इसलिए हड्डियों के साथ हमें मिलती हैं। इसके अतिरिक्त अब हम देखते हैं चिकनी पेशियां कहाँ मिलती हैं हमें, तो ये है आहार नाल, आँख की पलक, मूत्रवाहिनी और फेफड़ों की श्वसनी में मिलती हैं। यानी ये इनके मिलने का स्थान बताया जा रहा है कि जो आहार नाल है, जो हमारी भोजन नली है जिसके माध्यम से हमारे द्वारा ग्रहण किया गया भोजन हमारे शरीर के आंतरिक भाग में पहुंचता है, उस भाग में मिलती हैं, और पलकों में मिलती हैं, आँख की पलकों में, मूत्रवाहिनी में, यानी जिससे मूत्र का उत्सर्जन होता है, जिस नली के माध्यम से, यानी जो हमारा शरीर में मूत्र का संग्रह है उस संग्रह वाले स्थान से जो है, जिस नली के माध्यम से मूत्र शरीर से बाहर आता है उत्सर्जित करने के लिए, उस अंग में उपस्थित होती हैं। और इसके अलावा फेफड़ों की श्वसनी में मिलती हैं। देखिए, फेफड़े जो है वो मनुष्य के प्रमुख श्वसन अंग होते हैं, फेफड़ों के माध्यम से मनुष्य जो है श्वसन क्रिया को पूर्ण करता है। तो फेफड़ों में उपस्थित जो श्वसनी है, क्योंकि ऑल ओवर अंग को श्वसन बोला जाता है, और उसके अंदर उपस्थित जो अंग हैं उन्हें श्वसनी कहते हैं, क्योंकि वो श्वसन में सहायता करते हैं,
तो श्वसन में भी या श्वसन अंगों में भी जो है आपकी अरेखित पेशियां या चिकनी पेशियां या अनैच्छिक पेशियां उपस्थित होती हैं। इसके अतिरिक्त अब हम चौथा तीसरा पॉइंट देखते हैं, हृदय पेशियां या हृदयक पेशियां जिनको कार्डियक पेशियां भी कहा जाता है। तो देखिए ये हृदयक पेशियां हृदय की दीवार में मिलती हैं, यानी हृदयक पेशियां कहाँ उपस्थित होती हैं, जो हमारा हृदय है उस हृदय की दीवार से हमको चिपकी हुई मिलती हैं, अर्थात हृदय की दीवार के पास उपस्थित होती हैं। तो आपने जो है तीनों अंतर को पढ़ लिया आज, रेखित पेशी, चिकनी पेशी और हृदय पेशी, तीनों में अंतर आपने पढ़ा। आप अपनी कॉपी में इसको फेर करना, इन्हीं अंतरों के साथ आपका जो पेशी ऊतक है वो समाप्त होता है, क्योंकि पेशी ऊतक के प्रकार, उसके कार्य संरचना और पेशी ऊतक में जो है अंतर, आपस में सब कुछ आप लोगों ने पढ़ लिया। तो इसी के साथ आपका पेशी ऊतक जो टॉपिक था वो समाप्त होता है। अब इसके अगले वीडियो में हम आपको जो है नया टॉपिक लेकर आएंगे, जो आपका है तंत्रिका ऊतक यानी कि नर्वस टिश्यू, उसके बारे में पढ़ेंगे।